हेलो गाइस, दिस इज़ पाती। आई वॉच ट्रेलर ऑफ लाइगर। बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर लगा मुझे। इसमें जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, जो स्क्रीन पे चीज़ें चल रही हैं, वो इतना ज़्यादा सिंक्रोनस चल हो रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ भी म्यूज़िक चल रहा है और स्क्रीन पे कुछ भी हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्रेलर आते हैं जिसमें म्यूज़िक बहुत ढम 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 पीछे होता है और जो चीज़ें चल रही होती हैं वो उतने लेवल की नहीं होती है, तो वो बहुत सिंक्रोनस नहीं लगता है। बट यहाँ पर जो फाइटिंग सिक्वेंसेस दिखा रहे हैं, जो विजय अपना स्वैग दिखा रहे हैं, जो विजय की मदर, ओ माई गॉड, शी इज़ लुकिंग फैबुलस। उनका जो एटीट्यूड है वो अब मुझे बहुत क्लियर तो नहीं हो पा रहा है कि डायरेक्टर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट वो जो बहुत ही वो जो विजय है उनसे ज़्यादा स्वैग में उनकी मदर लग रही है। और वो एक लात वाला सीन है जिसमें वो अपने बच्चे को एक लात मारती हैं, तो वो सीन भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग और अच्छा लगता है मुझे। और मदर के एटीट्यूड के साथ, विजय के एटीट्यूड के साथ जो पीछे का बैकग्राउंड साउंड है बहुत एप्ट जा रहा है। बट मुझे एक डर था शायद अनन्या इसमें इस साउंड में कैसे फिट होंगी, जो भी बैकग्राउंड साउंड हो रहा है। बट अनन्या समहाउ शी इज़ लुकिंग गुड। आई डोंट नो व्हाई, वो बहुत एब्सर्ड नहीं लग रही है, इवन फिट लग रही है यहाँ पर। और जिस तरीके के वो दे रही है एक्सप्रेशंस, और या फिर उनके एक ही डायलॉग उस पर दिखाया गया है, वो बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। और जो अनन्या दिख रही हैं बाकी जो फ्रेंड्स के साथ जो कर रही हैं, वो अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड के साथ जा रहा है जो म्यूज़िक चल रहा है, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है वो मुझे एमिनेम की याद दिला रहा है। वहाँ पर एक ट्विस्ट आता है बीच में, वो बिल्कुल एमिनेम की आवाज़ लगती है। मुझे तो एक बार चेक करना पड़ा, ऐसा तो नहीं है कि ये ले आए हैं एमिनेम से गवा रहे हैं रैप, बट ऐसा नहीं है। जो म्यूज़िक है, जो एनर्जी है, जो पूरा वाइब्रेशन है मूवी के ट्रेलर में, वो बहुत ही बढ़िया है। अगर इसी तरीके से और ट्रेलर आता है और इसी तरीके से इम्प्रेस करता है, तो आई विल डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, बिकॉज़ मुझे इसकी वाइब बहुत अच्छी लगती है। दैट्स इट, बाय।